हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज तनु हियर और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रॉपिकल पेंगुइन। सो कैसे आप लोग सब? आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। सो आज का ये जो वीडियो है एक रिव्यू वीडियो है। रिव्यू है एक टोनर का फ्रॉम द ब्रांड ड्रेकविल। सो ये जो टोनर है मैं इसे लास्ट 2 मंथ से यूज कर रही हूँ और वक्त आ गया इसका रिव्यू का। सो रिव्यू शुरू करने के पहले प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे भी आप क्लिक कर दे ताकि मेरे चैनल के हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो अगर आप मुझे कुछ दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं मेरे हेयर केयर प्रोडक्ट के लिए कितना ज्यादा कंजर्वेटिव हूँ। मतलब मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट ही मेरे बालों पे बस यूज करती हूँ, तो उसमें से एक है रेक्विल का कंडीशनर। ये है वो प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट मैं लास्ट 3 महीने से शायद यूज कर रही हूँ एंड एक बार मेरा ये प्रोडक्ट खत्म हो गया था। तो मैं जब ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी तो बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए था, बस मुझे कंडीशनर ही चाहिए था। तो मैंने देखा कि फ्री डिलीवरी नहीं है। आपको पता है कि अमेज़न का पॉलिसी के हिसाब से अगर आप एक ही प्रोडक्ट लोगे तो आपको डिलीवरी चार्ज ज़्यादा ही कुछ देना पड़ेगा। मैं जस्ट प्रोडक्ट देख रही थी एंड उसी दौरान मुझे ये रेक्विल का टोनर दिखा एंड इसका नाम ही मुझे अट्रैक्ट किया। इसका नाम है रेक्विल पोर रिफाइनिंग फेस टोनर। मतलब पोर का जब बात आ जाता है ना तब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती हूँ क्योंकि मेरे फेस पे पिंपल्स चले जाने के बाद पोर्स है अभी तो बहुत कम है। मतलब बहुत कम हो गया है क्योंकि मैं अभी CTM जब से स्टार्ट करी हूँ बहुत कम है, लेकिन फिर भी है। फिर मुझे लगा ठीक है क्योंकि मुझे रेक्विल का कंडीशनर इतना अच्छा इफेक्ट दे रहा था तो मुझे लगा कि ब्रांड काफ़ी अच्छा ही है एंड तो मैं ये प्रोडक्ट भी ले लेती हूँ। तो मैंने इंस्टेंटली अपने कार्ट पे ये टोनर भी ऐड कर दिया एंड मैंने दोनों प्रोडक्ट मंगा लिया एंड उसके बाद मैं कंटिन्यूअस यूज करी इसे। तो लास्ट मैं इसे 1.5 या 2 महीने से शायद यूज कर रही हूँ एंड अब टाइम आ गया इसका रिव्यू का। तो चलिए शुरू करते हैं रेक्विल पोर रिफाइनिंग फेस टोनर का रिव्यू। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसका आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। बड़ा ही सुंदर है ये प्रोडक्ट दिख रहा है। ये ब्रांड के बारे में एक्चुअली मुझे 3 महीना पहले पता भी नहीं था एक्चुअली ब्रांड क्या है। तो जब मैं वो कंडीशनर यूज करी तो उस दौरान मैंने देखा इसके एक्चुअली बहुत सारे और भी प्रोडक्ट है। एक सनस्क्रीन है जिसका बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज दिया हुआ था, लेकिन हम रिव्यूज पे नहीं जाएंगे अमेज़न या फिर फ्लिपकार्ट के रिव्यूज पे। हम खुद यूज करके देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कैसा है। और इसका मॉइस्चराइजर भी आता है ऑयली प्रोन स्किन के लिए, शैम्पू भी शायद आता है, मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन क्रीम एक आता है, मॉइस्चराइजर एक आता है और एक टोनर आता है जिसका कलर है ब्राउन। यहाँ पे ब्राउन कलर में दिया गया है, मुझे ठीक याद नहीं। और एक सनस्क्रीन है जिसका बहुत हाइप है। इसका ज्यादा रिव्यूज भी नहीं था, जो भी रिव्यूज था पता ही चल रहा था कि पेड रिव्यूज है। तो मैं इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही यूज करके देखूंगी। और एक बात कह दूं, ये कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद परचेस किया है, खुद यूज किया है और इसके बाद ही मैं आपके सामने हूँ। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसका नाम है रेक्विल पोर रिफाइनिंग फेस टोनर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन एंड इट इज नॉन कमेडोजेनिक। मतलब ये पोर्स को ब्लॉक नहीं करता है जिसके कारण हमें ब्लैकहेड्स आ जाता है ना, तो ये नहीं करता है। तो पहले देख लेंगे इसका क्वांटिटी एंड इसका प्राइस। तो उसका जो क्वांटिटी है वो है 100 ml एंड इसका जो प्राइस है वो है ₹350। सो अब देख लेंगे कि इसका पैकेजिंग कैसा है। सो आप देख सकते हैं ये एक व्हाइट कलर का एक स्लिक बोतल में दिया गया है, प्रोडक्ट इसके अंदर है एंड इसके ऊपर में कैप दिया गया है जो कि एक ट्रांसपेरेंट कैप है, आप देख सकते हैं ये। एंड इसके ऊपर में एक सिल्वर कलर का एक फॉयल दिया गया है, आप ये देख सकते हैं। एंड ये जो बॉटल है इसके ऊपर में एक पंप ट्यूब है, स्प्रे ट्यूब नहीं है, ये पंप ट्यूब है। इसका नोजल छोटा सा एक नोजल है एंड ये जो नोजल है ना ये एक्चुअली स्क्रू कैप है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। जब तक कि कितना बाकी है तो फोम फोम दिख रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम इसे ओपन किया है। इसे ये है इसका पैकेजिंग। पैकेजिंग काफी अच्छा है, काफी स्टर्डी है सर जो बोलूँ तो, एंड बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है, बहुत ही एक अच्छा लुक आता है। एंड अगर आप मुझे पूछे कि ट्रेवल फ्रेंडली है या नहीं, तो हाँ ये ट्रेवल फ्रेंडली है। कभी कभी अगर आप बैग में रखते हो तो ये कैप कभी कभी निकल जाता है, कभी कभी ये रेयर है। हाँ ये ट्रेवल फ्रेंडली है, लीक आउट का बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, काफी एक अच्छा लुक देता है। तो पैकेजिंग की बात देख लेंगे इसका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। सो पहले इसका नाम है यहाँ पे जिसका जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, रेक्विल पोर रिफाइनिंग फेस टोनर फॉर ऑयली एक्ने प्रोन स्किन नॉन कमेडोजेनिक। एंड उसके बाद जो चीज मुझे अच्छा लगा वो ये है, ये अल्कोहल फ्री है। मैंने पहले भी एक टोनर का रिव्यू किया है, लावर्डेबेला का टोनर, अगर आपने नहीं देखा तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं, उसमें अल्कोहल था एंड मैंने उसी वक्त कहा था कि अल्कोहल स्पेशली टोनर में अगर है तो वो ड्राइंग अल्कोहल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वो हमारे स्किन को ड्राई कर देता है, फ्लेकी बना देता है। तो ये पहली बात मुझे जो अच्छा लगा ये है अल्कोहल फ्री। एंड उसके बाद जो चीज़ दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये दिया गया है कि इसमें 9 botanical एक्सट्रैक्ट है जो कि हमारे पोर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। एंड उसके बाद दिया गया है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया इसका इंग्रेडिएंट, तो मैं स्क्रीन पे फोटो दे रही हूँ, आप लोग तो प्लीज देख लीजिए, लेकिन उसके साथ मैं आपको बता भी दूंगी। सो अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस
टोनर पे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है जो इन्होंने क्लेम किया है, 9 बोटानिकल एक्सट्रैक्ट, चिजल है, एलोवेरा है और भी बहुत सारे है, एंड उसके साथ ग्लिसरीन है, एक्वा है, बट इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। तो ये सारे बोटानिकल अगर एक्सट्रैक्ट है तो वो सही कैसे रहता है? जैसे एरोमा मैजिक का भी यही प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बोटानिकल एक्सट्रैक्ट का नाम दिया होता है लेकिन कोई भी प्रिजर्वेटिव का नाम नहीं दिया होता है, तो इतने सारे चीज रूम टेम्परेचर में अच्छा कैसे रहेगा इतने सारे दिन? कोई तो प्रिजर्वेटिव होगा इसमें, लेकिन इस पे नहीं दिया गया है। उसके साथ और एक चीज है नोट करने की इसमें, वो है फ्रेग्रेंस, मतलब आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है इसमें, तो इसका जो स्मेल है वो नेचुरल नहीं है। तो अगर आप आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस यूज नहीं करते हैं अपने प्रोडक्ट पे तो यू कैन अवॉइड दिस टोनर। उसके बाद दिया गया कि हाउ टू यूज, मतलब आपको ऐसे यूज करना है। तो पहले आपको फेस को आपको वॉश करना है एक माइल्ड क्लेंजर के साथ जो कि सल्फेट फ्री हो, और उसके बाद ये टोनर आपको लेना है कॉटन पैड में, एंड देन अपवर्ड स्ट्रोक पे आपको ये लगाना है। उसके बाद दिया गया है कॉशन, तो बताया गया है कि अगर आपको आंखों में इनकेस चले जाता है तो फटाफट से वॉश कर लीजिए, ये हर एक टोनर पे दिया हुआ रहता है। अगर सपोज आपको कोई भी रैश इरिटेशन हुआ तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए प्रोडक्ट को, मतलब प्लीज इसे यूज ना करें। एंड इसका स्टोरेज डायरेक्शन दूसरे सारे टोनर जैसा ही है, कोई भी ठंडा और ड्राई प्लेस पे इसे रखें। उसके बाद ये दिया गया है कि इट इज ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, एंड उसके बाद ये दिया गया है कि इसमें कोई भी सल्फेट नहीं है और कोई भी पैराबेन नहीं है, कोई भी मिनरल ऑयल नहीं है जो मुझे चाहिए होता है हर वक्त, कोई भी सिलिकॉन भी नहीं है। दिस इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एंड उसके बाद दिया गया कि दिस इज क्लिनिकली प्रूवन, सो क्लिनिकली भी ये टेस्टेड है। तो उसके बाद उसका मार्केटेड बाय दिया गया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय दिया गया है, उसके बाद उसका बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और उसका प्राइस दिया गया है। तो इसका जो शेल्फ लाइफ है, मतलब इसका इतना दिन तक ये सही रहेगा, वो अप्रॉक्स 2 years है, जो काफी ठीक ठाक है ना, 2 साल तक ये प्रोडक्ट खत्म हो भी जाएगा। तो ये है ये सारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोडक्ट का टेक्सचर कैसा है, दिखता कैसा है और इसका स्मेल कैसा है। ऑब्वियसली ये तो आप स्मेल तो आप सूंघ नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बता पाऊंगी। अब बात आता है इसका कलर, इसका कंसिस्टेंसी, इसका स्मेल, तो मैं थोड़ा सा आपको लेके दिखा रही हूँ। ऑब्वियसली कॉटन पैड में अगर लिया आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो एकदम एक पानी जैसा ही है, मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने क्या लगाया है फेस पे। लेकिन हाँ, फेस पे अगर आप लगाओगे तो एक बहुत एक अच्छा फीलिंग होगा, मैं वो फीलिंग आपको समझा नहीं पाऊंगी। कोई भी बर्निंग नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत हल्का है। एंड उसका जो स्मेल है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर मैं लावर डेवेला और इस टोनर का कंपेयर करूंगी तो मैं इसी टोनर को आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि ये टोनर वे टू गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है सीटीएम के लिए। एंड डेली आप इसे 2-3 बार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 बार ही यूज़ करती हूँ। मेन सवाल आता है ये प्रोडक्ट मेरे लिए कैसा है। सो ये प्रोडक्ट मैं लास्ट 2 महीने या फिर 1.5 महीने से यूज़ कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं बता दूँ, मैं एक्चुअली ज़्यादा टोनर ओनर पहले यूज़ नहीं करती थी, मैं होममेड ही टोनर यूज़ करती थी, एलो कुकुम्बर टोनर, जिसका मैंने रेसिपी भी आपको शेयर किया है, तो अगर आप चाहो तो वो टोनर भी आप लगा सकते हो। मैं वही टोनर यूज़ करती थी, लेकिन वो सारा टोनर क्या होता है ना, आप घर पे बनाते हो, एंड मैं कभी भी ज़्यादा बनाकर फ्रिज पे स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्रिज पे भी अगर हम रखते हैं कभी कभी माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो जाता है, और इसके लिए वो ख़राब हो जाता है, एंड फिर आपके फेस पे उसका इफेक्ट दिखता है, क्योंकि वो फिर एक्ने रैश आ जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा दिन तक वो सारे होममेड चीज़ स्टोर नहीं कर सकते ना। तो मैं ज़्यादातर टोनर होममेड ही यूज़ करी, एंड उसके बाद मैं गुलाब जल यूज़ करी, एंड उसके बाद मैंने लावर डेवेला का यूज़ किया, एंड उसके बाद मैंने आयुर का भी यूज़ किया। आयुर का भी ठीक ठाक था, उसका मैं रिव्यू बाद में करूँगी, लेकिन अगर मुझे सारे को कंपेयर करना पड़े ना तो ये वाला बेस्ट है, मतलब रेक्विल वाला बेस्ट है। अब तक मुझे इतना अच्छा टोनर कहीं पे भी नहीं मिला है। ये यूज़ करने के बाद मुझे कुछ भी एलर्जी, कुछ भी एक्ने, कुछ भी रैश, कुछ भी मतलब स्किन इरिटेशन, ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। इंस्टेंट जब भी ये फेस पे लगाती हूँ मुझे बहुत सूदी एक एक्सपीरियंस लगता है, एक फ्रेशनेस तो आता ही है, और उसके साथ एक मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट ये करता है। मेरा फेस कभी कभी वियर्ड बिहेव करता है, कभी कभार कुछ कुछ होममेड प्रोडक्ट भी अगर मैं यूज़ करती हूँ मुझे एलर्जी आ जाता है, तो मेरा स्किन थोड़ा सेंसिटिव है, मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी कभी क्या होता है हार्मोनल डिसबैलेंस के लिए भी हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है मुझे मतलब उस मामले में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं किया है। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जब भी मैं ये प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ ना मेरे फेस पे ऑयल कंट्रोल होता है। सपोज मैं आज मेरे फेस को क्लेंस करने के बाद मैंने बस ये टोनर लगाया, उसके बाद एलोवेरा जेल लगाया, मतलब एज ए मॉइस्चराइजर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस उस दिन के लिए डन है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरे फेस का ऑयल भी कंट्रोल करता है, और उसके साथ एक फ्रेशनेस तो देता है और हाइड्रेट भी करता है, तो इस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो क्लेम है ना कि पोर रिफाइनिंग फेस टोनर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट सच में इसका जो वर्ड्स है वो रखता है। तो
पहले पहले जब मैं यूज़ कर रही थी तब मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे ना अब मुझे पता चल रहा कि मेरे पोर्स क्लोज हो रहा है, मतलब छोटे हो रहा है। मेरे फेस पे पोर्स का साइज बहुत बड़े थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे फेस पे पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते थे, उसके कारण पोर्स और दाग धब्बे बहुत ज़्यादा रह गए थे। तो अभी मेरे फेस पे पोर्स बहुत हद तक कम हो गया है, पहले दूर से भी समझ आता था कि फेस पे पोर्स है लेकिन अभी नहीं लगता, बहुत हद तक कम हुआ है, अब छोटे छोटे ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इसे यूज़ करें फॉर पोर रिफाइनिंग देन यू हैव टू यूज़ मतलब कम से कम 2 महीना तक, उसके पहले तो आपको रिजल्ट समझ नहीं आएगा। एक चीज़ एकदम सही है, ये सारा प्रोडक्ट आप ये मत सोचो कि इंस्टेंट आपको रिजल्ट देगा, आपको थोड़ी देर इसे देखना है फेस पे अप्लाई करके, फिर ही आपको पता चलेगा कि वेदर इट इज़ रियली वर्किंग फॉर यू और नॉट। अगर आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें, मैं जस्ट एक ही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगी, आप एक बार एलर्जी टेस्ट कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारा बोटानिकल एक्सट्रैक्ट है एंड आपको किसी चीज़ से भी एलर्जी हो सकता है, मुझे नहीं है टच वुड, तो आपको हो सकता है। मुझे ये प्रोडक्ट का और एक चीज़ अच्छा लगा वो है अल्कोहल फ्री। आपने अगर आयुर का टोनर भी यूज़ किया है तो आपको ना लगाने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक ठंडा मतलब ऐसा कुछ इवेपोरेट हो रहा है, तो अल्कोहल है, तो इस पे अल्कोहल नहीं है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब आते हैं कि इसका मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, तो इसका एक्चुअली मुझे प्रोडक्ट पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इससे ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है। अगर स्प्रे होता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि स्प्रे ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये जब आप कॉटन बॉल में लेते हो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, लेकिन मैं कॉटन बॉल से ज़्यादा करती हूँ एंड कभी कभी अगर मुझे वक्त नहीं मिला तो मैं पाम पे लेके मेरे पूरे फेस पे मैं लगा देती हूँ। इसमें प्रोडक्ट वेस्टेज बहुत ज़्यादा मुझे फील होता है, क्योंकि आप जब ले रहे हो ना कॉटन पैड में वो बहुत ज़्यादा सोक कर लेता है और उतना आपके फेस पे लगता भी नहीं है, तो ये एक रीज़न है। एंड उसके बाद मैं और एक बात भी आपको कहना चाहूँगी, इसका कॉस्ट ये 350 रुपीज़ का है 100 ml, ये मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ओवर प्राइसी लगा। थोड़ा सा प्राइस अगर कम होता तो मुझे ऐसा लगता है कि सही होता, मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इवन मैं भी 100 ml 350 हर वक्त अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अभी काम कर रहा है करके मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्राइस अगर कम होता ना तो और भी मज़ा आ जाता, तो ये बात है। एंड इसका और एक चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा वो है अवेलेबिलिटी, ये आपको अमेज़न फ्लिपकार्ट छोड़ के कहीं पे भी नहीं मिलेगा, एंड आज भी इंडिया में बहुत सारे जगह है जहाँ पे कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट नहीं जाता है, मेरा गाँव ही है उसमें, इवन मेरी फ्रेंड भी जहाँ पे रहती है वहाँ पे भी अमेज़न फ्लिपकार्ट नहीं जाता है, तो अवेलेबिलिटी का भी एक इशू है। मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमार्केट भी अभी लॉन्च कर देना चाहिए, एंड थोड़ा सा प्राइस अगर इसका कम हो या फिर इसी प्राइस में अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिल रहा होता तो और भी अच्छा होता। इसका मुझे और एक चीज़ अच्छा नहीं लगा वो ये है कि प्रिजर्वेटिव का बारे में मैंने जो आपको बताया वो चीज़ भी मुझे अच्छा नहीं लगा, तो सो ये सारे इसके कॉन्स है एंड प्रोज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। प्राइस अगर आप कंपेयर करें ना इसके प्रोज के साथ तो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई लगेगा आपको, तो यही बात है। पोर देखिए, पोर अगर कम करना होगा ना तो हम कुकुम्बर जूस से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वही बात होता है कि हम हर दिन कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट से जेल निकालेंगे, वो सारा बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है प्रोसेस। प्रॉब्लम होता है अगर हम बाहर अकेले रहते हैं या फिर जॉब करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, अगर घर पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप लोग में से अगर कोई भी एक ब्रांड का कुछ भी यूज़ करे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और उसके साथ मुझे बताइए कि ये आपके लिए कैसा काम किया है। एंड हाँ, मैं और एक बात भी आपको कहूँगी, फिर से अमेज़न फ्लिपकार्ट के रिव्यूज़ पे मत जाइए, वो मुझे ऐसा लगता है पेड है, क्योंकि मैंने एक रिव्यू देखा है वो सेम रिव्यू 3-4 जगह पे चिपकाया हुआ था, सेम रिव्यू सेम पर्सन से, सो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली वो सारे पेड रिव्यूज होता है, क्योंकि आप में से बहुत किसी के पता नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। यही था रिक्विल पोर रिफाइनिंग फेस टोनर का रिव्यू, आई होप आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा। अगर मेरा रिव्यू आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे विद ए न्यू टॉपिक, टिल देन आप रहिए खुश, खाइए हेल्दी एंड रहिए फिट एंड ऑल्सो कीप ग्लोइंग। बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।